नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ओम आलोक पर। आप हमें शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब यदि आप उनमें से एक है जिसने अभी तक नहीं किया तो अवश्य करें। बहुत सदैव तरीके से चैनल आगे बढ़ रहा है। अभी श्रृंखलाओं को लेकर चलते हैं, कोई विषय शुरू करते हैं तो कोशिश करते हैं कि आपको श्रृंखला उस पर दें। इसी कड़ी में अभी मैं आपको बता रहा हूँ वशीकरण की श्रृंखला, वशीकरण शाबर मंत्र से। शाबर मंत्र से वशीकरण में एक जगह थोड़ा सा पेंच है। कुछ मंत्र हैं जो अमुक और अमुकम से शुरू होते हैं, उसमें क्या है, उस व्यक्ति का, उस स्त्री पुरुष का नाम लेके आपको उन्हें सिद्ध करना होता है। मतलब एक व्यक्ति पे एक बार सिद्ध हो गया और फिर वो डन हो गया, मतलब उसी पे काम करेगा और फिर उसी का वो लेना। लेकिन भाई वक्त का और ऋषियों का कुछ पता नहीं, कब ऋषि बदलते हैं नहीं कह सकते आप। ऐसी स्थिति में वो मंत्र आपने किसी का नाम लेके पढ़ा, मंत्र पढ़ने तक तो श्रीमती जी या श्रीमान जी आपके चले गए, आप क्या करें। एक मंत्र ऐसा भी है जिसे आप सिद्ध करते समय तो किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन जब उसे प्रयोग करना होता है तो उसमें एक खाना है, एक स्पेस है जहां पर आप वो नाम डाल सकते। आज मैं आपको वो मंत्र बताता हूं। पर मंत्र बताने से पहले फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, हमें सब्सक्राइब कीजिए। मंत्र क्या है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके सर्वान् मम वश्यम् कुरु कुरु सर्वान् कामान् ने साधय साधय स्वाहा। इसको भी शुरू करना है किसी ग्रहण के लिए। जब भी ग्रहण लगना शुरू हो तो इसको शुरू करें और शुरू करके पहले कंठस्थ कर लें ग्रहण बेला से पहले, ताकि आपको याद हो जाए। क्योंकि कम से कम 10,000 बार आपको इसे करना है। आप कहेंगे 10,000 बार में ग्रहण पूरा भी हो सकता है, तब तो हो नहीं पाएगा। आप ग्रहण बेला में जितने कर सकते हैं, जितनी माला आप कर सकते हैं आप करें। उसके बाद प्रतिदिन उसी समय जिस समय आपने पिछले दिन किया आप इसे करें अधिकतम संख्या में, क्योंकि जितनी जल्दी आप इसे पूरा करेंगे उतना ही प्रभावशाली होगा। उसे पूरा करें, 10,000 आप अपने मंत्र पूरे करें, उसके बाद भाई हवन जला के 108 बार लोगान की आहुति दे दें और उस समय भी मंत्र पढ़ते रहें, मंत्र पूरा शक्तिशाली हो जाएगा। अब कोई व्यक्ति है जिसे आपको अपने अनुकूल करना है, आकृष्ट करना है, सम्मोहित करना है, वश में करना है। देखिए अनुकूल यहाँ पे आया, बहुत ज़्यादा इसका फायदा आपको मिलता है। मतलब ये नहीं कि आप किसी को, किसी नारी को या नारी किसी पुरुष को आकृष्ट करने के काम में करें। भाई आपका बॉस परेशान कर रहा है, आप हमसे बहुत पूछते हैं ना, हमारी सास परेशान कर रही है, हमारी ननद परेशान कर रही है, हमारी जी ये परेशान कर रहे हैं, वो रिश्तेदार परेशान, उन्हें अनुकूल कर लें यानी अपने लिए सही कर लें, उसमें भी ये काम आता है। तो उसमें ये हो जाएगा कि फिर वो वैसा वशीकरण नहीं होगा, मतलब वैसा सम्मोहन या वैसा आकर्षण नहीं होगा जैसे प्रेमी प्रेमिका के बीच में होता है, लेकिन आपका काम बन जाएगा, वो व्यक्ति आपसे वैसा द्वेष नहीं रखेगा। तो क्या करना है, नहा धो के आप जब उठें तो उसके बाद नहाने धोने के बाद उस व्यक्ति का नाम लेते हुए स्त्री पुरुष या जो भी है अपना मुंह 21 बार जल से धोएं, मंत्र पढ़ते रहें और जल से मुंह धोते रहें 21 बार आपको करना है। कैसे पढ़ना है और नाम कहाँ आएगा मंत्र में वो मैं आपको बता दूँ। मान लीजिए जिस स्त्री को आपको आकृष्ट करना है उसका नाम है परिणीति, तो ये परिणीति कहाँ लगेगा ये आपको नीचे उदाहरण में लिखा दिख भी जाएगा, पर आप कैसे लगाएंगे परिणीति को मैं बता दूँ। ओम ह्रैं ह्रीं श्रीं कालिके परिणीति मम वश्यम कुरु कुरु सर्वान कामान में साधय साधय स्वाहा। यहाँ पर आपको नाम फिट कर सकते हैं और फिर देखिए आपका काम भी हो जाएगा। तो ये मंत्र आपको फिर दे दिया वशीकरण का। ये वशीकरण शायद कुछ ऐसा जैसा आप प्रतीक्षा कर रहे थे, चाह रहे थे, तो ऐसा बहुत कुछ जिसे आप चाह रहे हैं हम देते रहेंगे। हमारे चैनल रोम आलोक पे आप हमें देखते रहिए, फिर मिलेंगे मित्रों।